एनिमेशन के थ्रू जो समय बीता हुआ दिखाया जाता है, तो यहीं पे मैंने कमाल की डिटेल नोटिस की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये दोनों धनुष यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों इस कलयुग में कर्ण का रिकार्नेशन हो रहा है। जब से मूवी रिलीज हुई तब से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इसके एंडिंग के ऊपर एक बार वापस से एक्सप्लेन करो, तो इसीलिए इस वीडियो में हम बहुत सारे डिटेल को कवर करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम पता करेंगे कि भैरवा कर्ण का रिकार्नेशन क्यों है और महाभारत में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से कर्ण का रिकार्नेशन हुआ है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिरकार सुप्रीम यास्किन ने गांधी को कैसे उठाया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट एग्जाम इन बॉयज। तो देखो कहानी में ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स है जिसने कि अर्थ के सारे रिसोर्सेज को टेक ओवर कर लिया है एंड बाकी के लोग कॉम्प्लेक्स में इसीलिए रहते हैं ताकि वो एकदम बेहतर जिंदगी जी सके। बट यहाँ पे एक शर्त है कि इसके लिए तुमको पे करने पड़ेंगे 1 मिलियन यूनिट्स। काशी जो कि वर्ल्ड की पहली और आखिरी सिटी बची हुई है जहाँ पे कुछ बाउंटी हंटर्स रहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं, उन्हीं में से एक है नौजवान भैरवा जो कि कॉम्प्लेक्स जाने का ड्रीम रखता है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में एक काला सच है जो कि भैरवा नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स में सुप्रीम यास्किन नाम का एक 200 साल का एक डीमन है जो कि कली है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कली नहीं है, बट इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि यास्किन जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक प्रोजेक्ट के नाम का एक फर्टिलिटी प्रोग्राम चलाता रहता है। इसमें होता ये है कि जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर लाया जाता है। होता ये है कि उसको एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मूला फर्टाइल लड़कियों के ऊपर इंजेक्ट किया जाता था वो ह्यूमन डीएनए से ज्यादा एडवांस था, जिसकी वजह से कोई भी 100 डेज से ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाता था। और यास्किन को चाहिए था 100 डेज के अबाव सर्वाइव करने वाली वुमेन, जो फाइनली यास्किन को मिल भी जाती है। बट यहाँ पे मिस्ट्री ये है कि सुमति कैसे प्रेग्नेंट होती है, इस बात की तो मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है। बट यहाँ पे वो 180 डेज के अबाव प्रेगनेंसी सहने वाली फर्स्ट वुमेन थी, तो इसी दौरान उसे भी इस मशीन के अंदर डाला जाता है और शुरू होता है सीरम एक्सट्रैक्टिंग। बट यहाँ पे होता ये है कि सिस्टम जो है वो माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ कल की पावर। बट यहाँ पे एक चीज होता है कि उन्हें जो है वो एक ड्रॉप सीरम मिल जाता है जो कि विलन यास्किन के लिए वरदान साबित हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे महाभारत के फ्लैशबैक की। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला था, अश्वत्थामा एक ध्रुव को उठाते हैं और वही ध्रुव ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट होके उत्तरा के भ्रूण में पल रहे परीक्षित को मार देती है। अब यहाँ हमें देखने को मिलती है अश्वत्थामा और लॉर्ड कृष्णा की कन्वर्जेशन। यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग आ रहा है और कली भी। तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि मूवी के अंदर कहीं पर भी कली का जिक्र किया ही नहीं गया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में महाभारत का सीन दिखाया जाता है तो श्री कृष्ण जो है वो कली का नाम लेते हैं। तो कृष्ण जब अश्वत्थामा को श्राप दे रहे थे तो उन्होंने साथ ही साथ उनको ये भी बताया था कि कलयुग जो है वो बहुत ही बड़ा भयानक होगा, जब अधर्म चरम सीमा पे होगा और अंधकार से धरती ढक जाएगी और गंगा जो है वो निर्जल हो जाएगी, तब मैं जन्म लूंगा और उस युग में कली होगा जो कि मेरे जन्म को भी रोकने की पावर रखेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे अश्वत्थामा को बोलते हैं कि तुम्हें उस गर्व की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं होऊंगा, यानी कि सुमति की गर्व की रक्षा। और अश्वत्थामा के सर से मणि निकालते हुए उन्हें यही श्राप देते हैं। देन उसके बाद श्री कृष्ण जो है वो अपना शरीर त्यागते हैं और पांडव भी हिमालय की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद ही शुरू होता है कलयुग। एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा जो है वो वेट कर रहे श्री कृष्ण के आने का कि कब वो आएंगे और कब कलयुग का अंत करके वो सतयुग की स्थापना करेंगे। तो यही पे मैंने एक कमाल की डिटेल नोटिस की है। तो देखो जैसा कि हमें श्री कृष्ण ने बताया था कि कली जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो मेरे जन्म को भी रोक सकेगा। तो एंडिंग में जैसा कि हमें दिखाया गया था कि सुप्रीम यास्किन के पास जब काउंसलर बानी जब सीरम लेके जाता है तब उसे समझ में आता है कि उससे जो गलती से जो सीरम एक्सट्रैक्ट हुआ था वो कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ से इन दोनों को ही ये बात समझ में आने लग जाती है कि ये जो बच्चा है वो कितना ज्यादा खास है और ये है कौन। तभी यहाँ पे काउंसलर बानी जो है वो सुमति को लाने की बात करता है। देन उसकी फिर बात काटते हुए सुप्रीम खुद बोलता है कि ये काम मैं करूंगा। तो यहाँ से एक बात तो डेफिनेटली क्लियर हो जाती है, ये बंदा जो यास्किन है यही कली है।
तुम मानो या ना मानो लेकिन यही कली है। तो जैसे कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बताया था कि तुम्हें ही मुझे जो है वो प्रोटेक्ट करना है, तो अश्वत्थामा भी वैसा ही करते हैं। इंडिकेशन मिलने के बाद अश्वत्थामा जो है वो काम पे लग जाते हैं, वो सुमति को ढूंढते हैं और बाकी रिवर्स के साथ वो संबाला पहुंचते हैं। बट जैसा कि सुमति के ऊपर बाउंटी रखी गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे बाउंटी हंटर्स भी इनके पीछे आ गए। तो उन्हीं बाउंटी में से एक भैरवा भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे हमें एक काला सच पता चलता है कि भैरवा जो है वो कर्ण का रिकार्निएशन है। यहाँ पे जो अश्वत्थामा जो वेपन यूज कर रहे थे वो कर्ण का विजय धनुष था। यही धनुष को उसने महाभारत में यूज भी किया गया था। बट यहाँ पे खाली विजय धनुष ही नहीं दिखाया गया है, बल्कि यहाँ पे अर्जुन द्वारा यूज किया हुआ गांधीव को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये दोनों धनुष यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों इस कलयुग में कर्ण का रिकार्निएशन हुआ। जैसा कि हमें पता है कि महाभारत के अंदर कर्ण जो है वो दुर्योधन के साइड से लड़ा था। हमें पता है महाभारत के अंदर जो कर्ण था वो अधर्म के साइड से लड़ा था और मारा गया था अर्जुन के हाथों। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कर्ण की भी कहानी जाननी पड़ेगी, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार कर्ण यहाँ पे कर क्या रहा है। तो देखो, ये तो सबको यहाँ पे पता है कि ये जो कर्ण है वो कुंती के ही पुत्र थे। जब दुर्वासा ऋषि ने कुंती को ये वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हो, तो उस टाइम जब कुंती जो है वो कुंवारी थी तो उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया, तो उनके गर्भ में एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो कि तेज में सूर्य के समान था और यहाँ पे वो कवच और कुंडल लेके उत्पन्न हुआ था, जो कि जन्म से ही उनके शरीर से चिपके हुए थे। और ये टाइम था उनके कुवारेपन का, तो लोभ लाज के डर से कुंती ने उस पुत्र को एक बक्से में रख के गंगा जी में बहा दिया। और जब कर्ण गंगा जी में बहते हुए जा रहे थे तो वो अधिराथ और उनकी पत्नी राधा को मिला था। और उस टाइम अधिराथ जो है वो रथ को चलाते थे, तो वो कर्ण को उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता था, बट दुर्योधन ने उसे वो मान सम्मान दिया जिसे वो डिजर्व करता था। भले यहाँ पे दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, बट कर्ण ने अपनी फ्रेंडशिप को बखूबी निभाया था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा भी था कि वो धर्म की तरफ से युद्ध लड़े, बट कर्ण की मजबूरी थी कौरवों से लड़ने के लिए, तो उसने वही किया। एक तरफ अर्जुन जो है वो गांधी को लिए खड़े थे और दूसरी तरफ कर्ण जो है वो विजय धनुष के साथ लड़ रहे थे। उस टाइम कुछ योद्धा थे जो कि मजबूरी की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अधर्म के साइड से लड़े थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही जानते हैं, नहीं तो सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। एंड इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा और कर्ण को रिडेम्पशन आर्क दिया, एक मौका जो कि धर्म के साइड से लड़ने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे भैरवा जो है वो कर्ण का ही रिकार्नेशन है जो कि धर्म के साइड से लड़ेगा। तो इसीलिए भैरवा जब विजय धनुष को उठाता है तो वो विजय धनुष की मेमोरी के अंदर स्विच हो जाते हैं। बट यहाँ पे विजय धनुष का तो समझ में आता है, बट यहाँ पे गांधीव को यास्किन कैसे उठा ले जाता है, तो चलो वो भी जान लेते हैं। जब महाभारत खत्म हुआ था तो जब पांडव जो है वो हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो अर्जुन ने उस धनुष को वरुण देव को वापिस कर दिया था, और वो भी कैसे, एक रिवर में उसका त्याग करके। और काउंसलर बानी ये कहीं ना कहीं जानता है कि महाभारत काल में ऐसे वेपन यूज हुए थे और वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यास्किन के हाथों में जो बूंद लगी है गॉड का ही अंश है, तो इसीलिए यहाँ पे गांधीव जो है वो भी कंफ्यूज हो गया होगा। उसे भी ये लगा होगा कि ये भी कोई गॉड ही है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यास्किन जो है वो गांधीव को उठा लेता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और करके का रिव्यू देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। बाय बाय।